फिलहाल अभी सुबह के बजे से और आज का वो लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम जाने वाले हैं कबराउवाल मुगल धाम, वो कच्छ में आया है वहीं पे, तो फिर से एक बार यही का वो लोग बनेगा, तो आप बने रहे हमारे साथ। देखिए तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, अब गाड़ी में आ चुके हैं, चलो। फर्स्ट टोल ऑफ रोड, पहला टोल आ चुका है ये हाईवे का, ये हाईवे का पहला टोल आ चुका है। देखिए अभी तो रामपुर आ चुके हैं, टोल आ चुका है बाराई के आगे वाला। यहाँ पे टोल टैक्स के जस्ट आगे ही रुके थे और यहाँ पे थोड़ा पवन अच्छा ही चल रहा था, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर कबराऊ रह चुका होगा, तो अब चलते हैं, तो चलो गाड़ी में मिलते हैं। रूट का तीसरा टोल टैक्स आ चुका है, ये रोड का तीसरा टोल टैक्स आ चुका है। अब यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर होगा कबराऊ। और आगे टोल नाका आएगा, वो लास्ट टोल नाका होगा। चलो हम गाड़ी से आगे निकलते हैं। देखिए फोर्थ नंबर का टोल नाका आ चुका है, अब यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर होगा। अब सिक्स लेन हाईवे आ चुका है, ये बचाव तक ऐसा ही हाईवे रहने वाला है और बचाव से सिंगल हाईवे आएगा।
अभी तो फिलहाल बचाव आ चुके हैं और यहाँ पे एक टेस्ट मिरेक लिया था, तो अब यहाँ से निकलते हैं सीधा बचाव से। देखिए ये बचाव के हाईवे से नीचे उतर चुके हैं और अब कबराव की ओर जाएंगे। चलो चलते हैं। फिलहाल अभी तो कबराव आ चुके हैं, देखिए यह कबराव, और यहाँ से मंदिर जाएंगे, वहाँ पे मंदिर है, तो अब यहाँ से चलेंगे मंदिर जाएंगे और आपको दर्शन करवाते हैं। चलो चलो चलते हैं मंदिर की ओर। तो अभी यहाँ से सीधा रास्ता भैया मंदिर की ओर जाता है कि रास्ता आगे मंदिर है, सामने तो माइक से आपको आवाज़ आ रही होगी। ये सब दुकानें वगैरह है, ये है मंदिर और यहाँ पे दर्शन करने जाना है। तो यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन करने जाएंगे और अंदर मोबाइल नहीं ले जाएंगे, तो आपको दर्शन करने बाहर आके मिलते हैं। दर्शन करके और देखिए यहाँ मंदिर और अभी दर्शन करते निकल चुके हैं और यहाँ से निकलेंगे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए दिखाया, वो सामने है वो सब प्रसाद की दुकानें हैं और ये सामने भोजनशाला प्रसाद मिला है। यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और तो कुछ कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए नहीं दिखाया था। गांधीधाम हाईवे पे आ चुके हैं और अब सीधा गांधीधाम जाएंगे और आपको मिलते हैं गांधीधाम जाके। अब तो आप बने रहे हाईवे पे हैं। फिलहाल तो अभी गांधीधाम आ चुके हैं, ये गांधीधाम एंटर हो चुके हैं और सीधा जाते हैं। गांधीधाम से निकले हैं अब अंजार जाने के लिए, यहाँ से अंजार जाएंगे जैसलपुर की समाधि देखने के लिए। यह है अंजार जैसलपुर की समाधि, यहाँ से आगे जाएंगे और सीधा मंदिर में जाएंगे और फिर मंदिर में कैमरा अलाउड होगा तो आपको दिखाएंगे। यह है जैसल तरल की समाधि, देखिए अभी गेट बंद है। ये सामने है कुड़ी की समाधि, देखिए, और यह है मंदिर, देखिए यह है रामदेव का मंदिर और वो आगे बताया वो समाधि और ये भी मंदिर है एक, देखिए मंदिर है, ये भी मंदिर है।
यहाँ पे खूब सारे मंदिर है। देखिए ये है जैसल तोरल की समाधि, देखिए और उस तरफ से भी दिखाते हैं। पीछे है जैसल तोरल की समाधि, वो हमने आपको दिखाया और अब यहाँ दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं। यह जैसल तोरल समाधि जो हमने अंदर से भी आपको दिखाया, देखिए ये बाहर है और ये सब दुकानें वगैरह है और अब यहाँ से सीधा निकलते हैं और गाड़ी में जाके चलते हैं घर की ओर। अब सीधा मिलते हैं आपको गाड़ी में। फिलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं, देखिए रास्ता भी खराब आ चुका है, अब सीधा आगे पे चलते हैं। देखिए यहाँ से बंदर पोर्ट है जो कंडला पोर्ट और नजदीक है, इसीलिए सब है यहाँ पे कंटेनर वगैरह और यहाँ से माल लोड होता है ये दोनों साइड हाईवे की। और अब हम मिलने वाले हैं मेन हाईवे को। फिलहाल तो अभी आगे सबसे आगे निकल चुके थे राधनपुर की ओर और अभी जो दिल्ली गजट है वो बाहर कचरा छोटा रंग बोला जाता है यहाँ पे गुजरात में। राधनपुर अंडर हो चुके थे और अब यहाँ से सीधा चलेंगे कहीं की ओर, यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर होगा, 60 किलोमीटर तक अगर चलना है इस हाईवे पे। अब शिवोरी से निकल चुके हैं और अब यही व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो डू तो सब्सक्राइब द चैनल। चलो तब तक के लिए बाय बाय।